रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के आजाद नगर स्थित एक किराना स्टोर में क्रेजी कंपनी का एक्सपायरी व चीटी भरा ब्रेड बिकने से ग्राहक ने आपत्ति जताई। आपको बता दें कि आजाद नगर के निवासी शशि गुरुवार को जब ब्रेड खरीदने के लिए एक दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार ने एक्सपायरी व चीटी भरा ब्रेड बेच दिया। शशि जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रेड में चीटी व एक्सपायरी है, जिसकी सूचना उन्होंने दुकानदार को दी तो दुकानदार ने कहा कि यह कंपनी से ही ऐसा ब्रेड आया है। इस संबंध में जब गोरखपुर न्यूज ने क्रेजी कंपनी के प्रबंध निदेशक नवीन अग्रवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में ब्रेड 3 बजे रात को तैयार होता है तथा हमारा प्रयास है कि शहर के नागरिकों को ताजा ब्रेड मिले। उन्होंने कहा कि ब्रेड उनके प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनने के बाद एजेंसियों के पास जाता है तथा एजेंसियां अपने हॉकरों को देती है और हॉकरों के माध्यम से दुकान पर पहुंचता है और 4 दिन में ब्रेड बिक जाता है। अगर नहीं बिकता है तो क्रेजी कंपनी ब्रेड उनके प्रोडक्ट की 100% वापसी लेती है। उन्होंने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि एक्सपायरी ब्रेड को दुकान पर ना रखें, ना ही ग्राहक को बेचें। उन्होंने कहा बारिश के मौसम में दुकानदार के दुकान में सफाई ना होने के कारण चीटी घुस गई होगी, जिसकी सूचना मिली थी तथा सभी दुकानदारों से कहा गया कि किसी भी पैकेट में चीटी मिलती है तो तुरंत ग्राहक को बदल कर वापस कर दें। वैसे यह भी संभव है कि बरसात के मौसम में दुकानदार के द्वारा उचित रख रखाव के बगैर मीठे ब्रेड के अंदर चीटी चली गई हो। ऐसे ब्रेड को दुकानदार द्वारा कम से कम ग्राहक को नहीं बेचना चाहिए था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुकानदार जितेंद्र कुमार गुप्ता तथा ग्राहक शशि तथा क्रेजी ब्रेड कंपनी के प्रबंध निदेशक नवीन अग्रवाल ने कहा गुप्ता। ब्रेड में चीटी निकली है, क्या मामला? भैया 3 वो ब्रेड ले गए कस्टमर, तो उसमें चीटी मिली है तीनों में। इसकी शिकायत आपने कंपनी से की है? नहीं, मैंने तो नहीं की है, कस्टमर किए हैं। कस्टमर तो क्या कर रहे हैं आप आगे? अरे क्या करना है, बंद कर देंगे उनका माल लेना। क्या हर ब्रेड में चीटियाँ मिलती हैं जो आपके यहाँ आती हैं? नहीं, सब में तो आप ध्यान नहीं दिए हैं, अब वही जो ले गए वो ध्यान दिए हैं तो उनको मिला है। मतलब आगे आप क्या करेंगे जो ब्रेड में चीटियाँ मिली हैं, इसकी शिकायत कंपनी करेंगे? हाँ, अगर फिर आएगा तो फिर तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, श्रीकांत श्रीवास्तव। हमने ब्रेड खरीदा था, क्या दिक्कत था? कल शाम को मैं इनके यहाँ से 3 पैकेट बंद खरीदा था बाइटी कंपनी का, और मैंने देखा कि एक पैकेट मैंने खोला तो उसमें कम से कम 8-10 काली चीटियाँ थी मरी हुई। मुझे क्या लगा कि हो सकता है कोइंसिडेंस हो। दूसरा पैकेट देखा तो दूसरी पैकेट्स में भी चीटियाँ मरी हुई थी, तीसरे पैकेट्स में भी चीटियाँ मरी हुई थी। पैकेट की पैकेजिंग भी सही नहीं थी, पैकेट्स वगैरह फटे हुए थे उनके, और मैंने दुकानदार से बोला है और दुकानदार ने कहा ठीक है भैया, मैं जो भी माल पहुँचाता है उसको मैं इस चीज़ के से अवगत कराऊँगा। इसकी शिकायत आपने की? इसके लिए तो मैंने कंपनी के मालिक नवीन अग्रवाल से भी बात की थी। क्या बोला? उन्होंने कहा कि ठीक है सर, देख लेते हैं, हम उसको वापस करा देते हैं, ठीक है, फिर मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव का कॉल कराता हूँ आपके पास। लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेटिव का कॉल मेरे पास 1/2 घंटे बाद आया, और बात बात में मैंने बोला, उनकी बातों से मुझे लगा कि मीन्स वो इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो आगे क्या कंपनी का कोई दुकान पे आया चेंज करने के लिए? अब ये मुझे नहीं पता। अभी क्या मांग कर रहे हैं? मुझे मांग नहीं करनी, मेरा बस ये कहना है कि आप काम करिए, ईमानदारी से करिए, अच्छे से करिए।
मेरा नवीन अग्रवाल से बात करने का सिर्फ एक मोटो था कि सर आप अपने लोगों को समझाइए। आज सुबह भी मैंने उन्हें कॉल किया लेकिन उनकी असिस्टेंट ने शायद उन तक मेरा मैसेज कवर नहीं किया। मैं बस यही बोलने वाला था कि सर अपने एम्प्लॉयज़ जो भी आपके कंपनी के बंदे हैं जो पैकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, उनसे स्ट्रिक्टली बात करिए क्योंकि इससे आपका ब्रांड इफेक्ट हो रहा है। नवीन अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, क्रेजी ब्रेड। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको कि गोरखपुर शहर में लगभग 80-90% नागरिक क्रेजी ब्रेड का प्रयोग करते हैं और हम जो भी ब्रेड शहर को सप्लाई करते हैं वो जिस दिन सप्लाई होती है उसकी पिछली रात को लगभग 3 बजे तैयार होती है। यानी कि शहर को हम कोशिश करते हैं कि ताज़ा से ताज़ा प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। इसके बाद ये एजेंसियों को माल जाता है और एजेंसियां फिर अपने हॉकरों को देती हैं और हॉकरों के मार्फत दुकानों तक पहुँचता है। एक पूरा एक ये चेन है। इसके बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन में जब ये प्रोडक्ट अगर बिक गया तो ठीक है और अगर नहीं बिकता है तो क्रेजी कंपनी 100% प्रोडक्ट्स की वापसी लेती है। तो ये उन सभी दुकानदारों से मेरा अनुरोध है कि आप कोई भी एक्सपायरी प्रोडक्ट अपने पास क्यों रखते हैं जब आपको पता है कि क्रेजी 100% वापसी लेती है हर प्रोडक्ट की, तो आप उसको दुकान पर ना रखें ना ही किसी कस्टमर को आप दें। जहाँ तक चींटियों का प्रश्न है, हमारी ब्रेड फैक्ट्री 100% हाइजीन और 100% हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाती है। चींटी, मच्छर, मक्खी, छिपकली, चूहा जैसी कोई भी चीज़ आप कभी भी कोई भी विभाग, चाहे फूड डिपार्टमेंट हो, चाहे आप पत्रकार बंधुओं से भी मैं अनुरोध करूँगा, आइए एक दिन फैक्ट्री आप खुद निरीक्षण करें। हम लाखों पैकेट रोज़ बनाते हैं, पूरे जनपद को ही नहीं, हमारी ब्रेड लखनऊ तक, वाराणसी तक, इलाहाबाद तक, नेपाल तक, बलिया तक जाती है और रोज़ जाती है। 50% हमारी हैं जिनसे हम ये सप्लाई देते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी चींटी या कोई भी चीज़ नहीं होती है। लेकिन जैसे इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है, अगर किसी दुकानदार ने या किसी एजेंसी ने अपने यहाँ सफाई नहीं रखी हुई है तो आप भी जानते हैं कि कहीं भी इस समय बरसात में किसी भी प्रोडक्ट में चींटी लग जाती है। इस तरह की शिकायत एक जो मुझे मिली थी उसमें दुकानदार का भी फ़ोन आया था। मैंने उनसे कहा कि इसमें आप किसी पत्रकार जी के चक्कर में या ऐसे ना पड़े, आप चुपचाप उस पैकेट को अपने हाकर को वापस कर दें और उसके बदले में दूसरा पैकेट ले लें। यदि किसी भी कस्टमर को कोई शिकायत है तो उसका पैकेट तत्काल आप बदल दें। अब होता क्या है कि दुकानदारों के यहाँ भी काउंटर सफाई नहीं है, उनके यहाँ और भी मीठे प्रोडक्ट्स रखे हैं, उनके यहाँ पहले से चींटी है। चींटी एक ऐसा जंतु है जो कि कहीं से भी रास्ता बना लेता है कहीं भी घुसने का। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम 100% क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ गड़बड़ नहीं बनता है। ये आगे जब जो वितरण चेन है उसमें कहीं कोई कमी हो सकती है और उसके बावजूद मैं अनुरोध करूँगा कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको तत्काल वापस करें अपनी एजेंसी को और बदले में दूसरा पैकेट प्राप्त कर लें। सर, इसमें हम लोग खुद देख रहे हैं कि पैकिंग के अंदर ही चींटियाँ थी, इसके खिलाफ मतलब क्या करेंगे? देखिए, चींटियाँ जब पैकेट में घुस जाएंगी तो वो पैकेट में घूमने के लिए तो नहीं घुसी हैं, वो तो एक बहुत मीठा प्रोडक्ट है जो बन है। वो चींटियाँ आप देखेंगे मिठाई उठाई में भी जैसे लगती हैं तो मिठाई के अंदर घुस जाती हैं। कोई जिंदा चींटी है तो आप खुद ही सोचिए कि पैकेट के अंदर कैसे जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ बंद बना तो वो गर्म बंद होता है। पैकिंग में जब पैक किया जा रहा है सब ऑटोमेटिक मशीन से किया जा रहा है, वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन है वहाँ। अब उसमें कहीं लाने ले जाने में, रखने में, काउंटर पर रखने में कहीं कोई चींटी अपना रास्ता बना के घुसेगी तो वो बन के अंदर घुस जाएगी। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हर दुकानदार से अनुरोध है कि कोई भी एक्सपायरी प्रोडक्ट ना बेचें और किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार की कोई क्वालिटी इशू आती है या चींटी का मैटर है तो वो तत्काल उस प्रोडक्ट को बदल लें, कंपनी उसको मुफ्त बदल के देगी। अभी सर, इसके अलावा अगर कोई चींटियाँ पाई जाती हैं, अभी तुम्हारे पाया गया तो क्या जाँच कराई जाएगी इसके लिए? जाँच हमारे यहाँ डेली होती है, हर समय 24 घंटे हमारे यहाँ ये सिस्टम बना हुआ है। भैया, कोई माल गड़बड़ हम बना के दे ही नहीं सकते। आप खुद सोचिए कि हमारी इतनी बड़ी यूनिट है और पूरी जनता हमारे प्रोडक्ट्स पे इतना विश्वास करती है और उसका प्रयोग करती है, इतनी लापरवाही तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं तो बार बार आप सबसे कह रहा हूँ, सभी विभागों से कहता हूँ कि आके हमारे यहाँ जाँच करें स्वयं और देखें कि क्या इस प्रकार का कोई कमी है। लेकिन मैं इसी बात को रिपीट करूँगा कि बरसात में चींटियाँ लगने लगती हैं प्रोडक्ट्स में, कहीं भी किसी भी काउंटर पे जा रहा है प्रोडक्ट, किसी भी एजेंसी पे जा रहा है, कहीं भी सफाई अगर नहीं है या चींटी पहले से लगी हुई है तो संभव है कि उस पैकेट में चींटी घुस जाएगी।